गंगोत्री देवी नर्सिंग कॉलेज का प्रथम वर्ष की छात्राओं का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में रीना त्रिपाठी ने बताया कि गंगोत्री देवी नर्सिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्राओं का शपथ ग्रहण समारोह है। इसके साथ ही हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि नर्सिंग एक पवित्र प्रोफेशन है और समय की सेवा करने का कार्य इससे बेहतर नहीं हो सकता। नर्सिंग के द्वारा मेडिकल फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा सकता है, यह एक सम्मान का कार्य है। उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों में नर्सिंग की छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समय नर्सिंग कॉलेज के बच्चे पीजीआई, एम्स व प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इस अवसर पर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही, डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य लोरिता याकूब सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गंगोत्री देवी नर्सिंग कॉलेज की अध्यक्ष रीना त्रिपाठी ने कहा, सबसे पहले तो मैं रीना त्रिपाठी नर्सिंग स्कूल ऑफ गंगोत्री देवी नर्सिंग स्कूल्स की तरफ से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे कॉलेज में नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह के थ्रू हम बच्चों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि नर्सिंग एक बहुत पाक, बहुत पवित्र प्रोफेशन है, जिसमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है और समाज की सेवा का इससे बेहतर मौका कहीं और नहीं मिलता। नर्सिंग के थ्रू ये बच्चे मेडिकल फैसिलिटीज़ को बहुत अपग्रेड करते हैं। नर्सिंग के बच्चे ही रीढ़ हैं नर्सिंग हॉस्पिटलिटी के, हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए, और इस काम को बेहतर तरीके से डिसिप्लिन वे में ये बच्चे कर सके, इसके लिए हमारे कॉलेज में हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारी टीचर्स, हमारी प्रिंसिपल बहुत डेडिकेटेड है। विगत कई वर्षों में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस समय हमारे बच्चे, हमारे नर्सिंग कॉलेज के बच्चे SGPGI में, एम्स में और बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और जिनकी बड़ी प्रशंसा भी होती है। इससे हमें बड़ा गर्व है और हम उम्मीद करते हैं कि ये नए बच्चे भी आगे अच्छा करेंगे और समाज में हमारे कॉलेज के साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि मानवता की सेवा से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये इन बच्चों को इस कॉलेज में भी सिखाया जाएगा और समाज में सर्विस करने के लिए ये बच्चे आगे बढ़ें, ऐसा हम चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं।